आविष्कार सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप ने किया सरेंडर। बैतले की कुर्की शुरू होते ही मनीष कश्यप ने किया सरेंडर, खत्म हुआ चूहे बिल्ली का खेल। बैतले की पूछताछ कर रही है ईओ की टीम। ईओ ने सच तक न्यूज संचालक यूट्यूबर मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी के घर कुर्की जब्ती शुरू की है। मनीष कश्यप ने सरेंडर कर दिया है। हाईकोर्ट से जमानत रद्द होने के बाद मनीष कश्यप की परेशानियां बढ़ गई थी। वहीं पुलिस लगातार मनीष कश्यप को पकड़ने के लिए छापेमारी भी कर रही थी। तमिलनाडु में बिहार के कुछ लोगों के साथ हिंसात्मक घटनाओं से संबंधित सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो प्रसारित किए जाने के मामले में मनीष कश्यप पर केस दर्ज किया गया है। बेतिया जिले के जगदीशपुर थाने में सरेंडर करने की बात सामने आ रही है। बात चले कि अभी तक मनीष कश्यप के सरेंडर की बात सामने आ रही है, अभी तक पूरी अपडेट नहीं मिल पाया है कि आखिर सरेंडर किस वजह से हुआ, आखिर सरेंडर कब हुआ। बचले कि मनीष कश्यप के सरेंडर के बाद बिहार पुलिस सकते में है, और साथ में चले कि मनीष कश्यप ने आखिर सरेंडर कर दिया है। क्या बिहार सरकार मनीष कश्यप को सरेंडर करवा करके क्या करना चाहती है? आखिर बिहार सरकार कब तक छोटे मोटे यूट्यूबरों या फिर न्यूज़ चैनलों वालों को गिरफ्तारी करवाएगी? क्या सच का सामना करने वाले मनीष कश्यप और सच को दिखाने वाले मनीष कश्यप के को गिरफ्तार कराने के लिए क्या बिहार की सरकार तर्क पे आ चुकी है? आपका कमेंट क्या है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपका क्या ख्याल है मनीष कश्यप सच तक न्यूज के संचालक यूट्यूबर मनीष कश्यप के बारे में, जो अपने आप को सन ऑफ बिहार कहते हैं? क्या सन ऑफ बिहार को खुलकर सांस लेने की इजाज़त नहीं है? क्या उनको एक अच्छी रिपोर्टिंग के तौर पर आज पूरा भारत जानता है उनको, तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करना भूलिए।